लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शर्मा बालिक गुड। इस शादी का कोई गवाह आया है क्या? जी हाँ आया है। आपको ये शादी मंजूर है? जी हाँ सर। और आपको? जी हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर साइन करो। हेलो, आप रेस साहब बोल रहे हैं क्या? जी हाँ। आप जिस लड़की की शादी करवा रहे हैं मैं उस लड़की का बाप बोल रहा हूँ, आप इस शादी को रोकिए। आई एम सॉरी, वो दोनों बालिक है और एक दूसरे को चाहते हैं, इस शादी के गवाह भी साथ में हैं। मैं ये शादी नहीं रोक सकता, सॉरी। सर, मेरी बेटी फंस गई है, उस लड़की की शादी पहले ही हो चुकी है। प्लीज 10 मिनट रुकिए सर, मैं अपने साथ पुलिस लेकर आ रहा हूँ सर, प्लीज। देखिए, वो लोग एक महीने पहले ही शादी के लिए आवेदन कर चुके हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं रोक सकता, प्लीज। सर, आप सिर्फ 10 मिनट इंतजार कीजिए, अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया तो ये शादी आप करवा दीजिए। प्लीज सर, प्लीज। ओके ओके, 10 मिनट इंतजार कीजिए। सर, मेरे पिताजी ने आपसे कुछ कहा क्या? जी हाँ, उन्होंने कहा इस लड़के की शादी पहले हो चुकी है। नहीं सर, मेरे पिताजी को मेरा प्यार पसंद नहीं है, प्लीज आप उनकी बातें मत सुनिए, प्लीज सर। लेकिन वो तो पुलिस के साथ आ रहे हैं, देखते हैं। शादी रुकवाने के लिए वो झूठा नाटक कर रहे सर। अगर तुम्हारे पिताजी की बात झूठ निकली तो मैं शादी करवा दूंगा। आप हमारी शादी करवाइए प्लीज सर। आप कितने दिनों से प्यार करते हो? 2 साल से सर। अगर तुम इस लड़के को चाहते हो तो 10 मिनट रुक नहीं सकते? सर मुश्किल है, क्योंकि ये जवान लड़का है। आप कौन? मैं कॉर्पोरेटर हूँ, उसका भाई। शादी करवाओ। 10 मिनट रुकिए। 50,000 काफी हैं। अपने पास रखिए। इतना काफी नहीं है? आपको 1 साल के लिए अंदर करवा सकता हूँ, समझे? समय हो रहा है, जल्दी शादी करवाओ। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। क्या सलाह दे रहे हो? सही और गलत छोड़ो, अपना काम करो। सुनो सुनो सुनो, इसकी जायदाद के लिए मैं 1 साल से इस लड़की को समझा बुझा कर यहाँ पर लाया हूँ। आखिरी 10 मिनट में मेरे प्लान पर तुम पानी मत फेरो। ये बंदूक मेरे हवाले कर दो। ए, सबको गिरफ्तार कर लो, गैर कानूनी शादी करा रहे हो। चलो तुम्हें देखूंगा। चलो सबको मारो मैं। चलो चलो, ठीक है ठीक है, देख लेना। चलो चलो। देखो बेटी, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। मैं अपनी नौकरी की वजह से ऐसी शादियां करवाता हूँ, लेकिन लव मैरिज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं ऐसी शादियां करवा चुका हूँ उनमें से आधी लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने बचा लिया। आज के बाद तुम अपने पिता की बात सुनो। मैं एक लड़की का पिता होने के नाते तुम्हें यह सलाह दे रहा हूँ बेटी, मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, प्लीज। माँ, फिल्म का समय हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, डैडी आते ही होंगे। मुझे तुम्हारे पिताजी की आदत पता है, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। आज वो जल्दी घर आएंगे कह कर गए हैं। देखा, डैडी का फोन है। हेलो डैडी, कहाँ है आप? ऑफिस में। अभी तक आप ऑफिस में? मम्मी ने सही कहा था, आप नहीं आओगे। नहीं बेटी, थोड़ा वक्त लगेगा, यही कहने के लिए फोन किया, तुम तैयार रहो। ये तो रोज की बात है, पिक्चर बदलते हैं पर आप नहीं बदलते हैं। तो
सॉरी बेटे, मैं ठीक 5:30 बजे पहुंच जाऊंगा। आप नहीं आएंगे तो माँ के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। प्लीज आज किसी भी कीमत पर हमें कौन है शो देखना ही है। क्या चाहते हो? कौन है बेटी? कौन है बेटी? फोन इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। हेलो कौन है? ला ला ला, मुझे दो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो कौन? इतनी जल्दी भूल गए? सुबह होने वाली शादी को रोककर तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया। अभी मैं सीधे पुलिस स्टेशन से तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आई बात समझ में? सुनो, शादी करके आराम से रहने वाला मेरा भाई आज भी तकलीफ में है। किसी भी लड़की से अगर मेरा भाई शादी करना चाहता है तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुमने शादी को ऐसे रोका जैसे तुम्हारी लड़की से शादी हो रही थी। अब मैं तुम्हारी लड़की की शादी यहीं पर करवाऊंगा। अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। मेरी बेटी को कुछ मत करना। ए, प्लीज। ए, सुनो, देखो मेरी बात सुनो। संध्या भाग जाओ यहाँ से। रुक जाओ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। किधर किधर? तुम में से कौन इससे शादी करेगा? करूंगा ना शादी। अच्छा तू तू कितनी बार दूल्हा बनेगा ये बता। चौथी बार। ठीक है। चुप हो जाओ। मैं अपनी बेटी को बचा सकता था, मुझे किसी गैर की मेहरबानी नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए, वो भी अपना ही लड़का है। कौन लड़का? जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला वो मेरे लिए मर गया। इस घर में हम तीन हैं। मेरे लिए वो लड़का मर चुका है, मर चुका है। अशोक भाई अभी भी नाराज है क्या? मैं उन्हें मनाऊं क्या? इतना आसान नहीं है चिन्ना, राजीव संभाल लेगा। अरे चिन्ना, तुम बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, बड़ों के बीच में टांग मत अड़ाओ। तुमने आते ही गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। पिताजी ने गुस्से में आकर अगर कुछ कह दिया तो नाराज क्यों होते हो? तुम तो उनके लड़के हो, पर हो तो हमारे दोस्त अशोक। पिताजी कुछ कहेंगे तो तुम पछताओगे, और अगर तुम पछताओगे तो हम भी पछताएंगे। किसने कहा, किसने कहा कि मैं पछताऊंगा? मतलब तुम्हें फील नहीं हो रहा है? पहली बार होता तो फील करता, अब तो आदत सी हो चुकी है। पर यहां
यहाँ तकलीफ होती है। जिस दिन इस तकलीफ की कसर पिताजी तक पहुंचेगी ना, वो मुझे घर बुला लेंगे और वो दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा। बुलाएंगे, एक दिन जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। लेकिन तू क्यों मुंह लटकाए हुए रे? उन्होंने मुझे गलत कहा है, तुम्हें तो नहीं कहा। तुम हंसो, तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देख सकता। उधारी देने के लिए कह रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। उधारी तो कब के चुकता होगे? तुम्हारी गाड़ी की रिपेयरिंग नहीं की मैंने? ये क्या मजाक है भाई, दो बार रिपेयरिंग क्या कर दी कि उधार चुकता हो गया? क्या दो बार कह रहे हो? पिछले छह महीनों से तुम्हारी गाड़ी क्या फ्री में रिपेयर कर रहा हूँ? मेरा दिमाग मत घुमाओ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो तुम्हें आज पता चला क्या? जीत का ऐलान तू, होठों पे रख मुस्कान तू, कर हर चैलेंज स्वीकार तू, कर हर दरिया को पार तू। दुनिया में जीना है तो हमको ठोकर मार तू, वरना इस दुनिया में जी पाएगा ना यार तू। I love you. कौन है वो? इतने खुलेआम तुम्हें I love you कह गया? इतनी हिम्मत है उसमें? Okay. माना कि तुम दिखने में खूबसूरत हो, तो क्या वो तुम्हें I love you कह देगा? तुम डांस क्लास में जाने वाली लड़की उस रास्ते पर गई क्यों? लेकिन क्या तुम किसी भी संगीत की धुन पर नाचने लगोगी? लेकिन तुमने उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया? ओके, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था, इसलिए फर्स्ट टाइम तुम बच गए। तुम्हें अपनी सांसों पर जरा भी यकीन है तो इसे यहीं पे रोक दो। I love you. फिर से तुम मेरे नजरों में आए ना, तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी मुझे। और इस चेपी को कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। मारो, मुझे मारा, मुझे मारने की कोशिश की, चे मारा, मार, ये ले मार, चे मार, 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 और मार, हाँ। उस केके को देखकर ये डर गया, जो केके से डर गया, उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। नहीं भाई, इसे मारने से कुछ नहीं होगा। इलेक्शन में तुम्हारे सीट के लिए केके कोशिश कर रहा है, तब वो केके जिंदा भी नहीं रहेगा। उस केके को मारना उतना आसान नहीं है। सुनो भाई, इसलिए भी मंगवा रहा हूँ। उस केके के लिए वही लोग ठीक हैं। उसे ऐसी मौत मारेंगे उसकी लाश तक का पता नहीं चलने देंगे। हाँ, डेविड राज बोलो। हाय, बिहारी लोग शहर में आ चुके हैं। सुनो डेविड, तुम उन लोगों को रिसीव करोगे और सभी चीजों का अरेंजमेंट करोगे और तुम इस काम को सही तरीके से अंजाम दोगे और इस बात की किसी तीसरे को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके। डेविड राज। ओ डेविड राज, आवा। बोला भाई, हमरे जेपी साहब कैसन हो? एकदम ठीक ठाक। ओके बैठा। जेपी साहब ने भेजा आपके लिए। जेपी साहब ने भेजा था ले। या, आप सब ठीक है ना? देखा भैया, हमरा के पैसन से मतलब बा, पैसा ले आइल बानी का, जल्दी निकाला। रुपए काम होने तक संभल कर रहो। केके को मारने आए हो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इस होटल में। बच्चन जैसी बात नहीं करा, ये होटल हमार बा, तू फिकर नहीं करा। केके के बारे में तुम लोग नहीं जानते हो, उसे मारने के लिए तुमने क्या प्लान किया? प्लान करके कौन बंगला बनावे का? तू कहाँ रहता हुआ ये बतावा, उकर के साथ कितने लोग रहता हुआ ये बतावा, बस डायरेक्ट जाके फटा गोलाई देव और खेल खत्म। केके इज वेरी डेंजरस फेलो, तुम नहीं जानते। अरे चुप, इतना काहे कापा था, बेयारी गैंग है,
साव मर्डर करत रहली, हम शेर को भी मारत रहली, उके के कौन शेर हका? देखा ही डरा था। अरे भाई तू इस फील्ड में कैसन आ गई ली, फिकर मत करा, केके का फोटा दिखावा और फूटा यहाँ से। और इस बात की किसी तीसरे को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ओके? ओके। ऐसे होगा भाई। थैंक यू मिस्टर डेविड इस इंफॉर्मेशन के लिए। भाई भाई वो के मारा गया, अभी सिर्फ उसका बड़ा भाई और छोटा भाई जिंदा है। जरा इधर तो देखो। के भाई से पंगा लेने वाले का यही अंजाम होता है। पांडे इसका भाई भी नहीं बचना चाहिए। हाँ। अरे सुन रही हो क्या? टिफिन रेडी है क्या? मेरे कपड़े तैयार है क्या? मेरे जूते पॉलिश किया है या नहीं? टॉवेल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है? आ रही हूँ जी। अरे मेरा ब्रश कहाँ है? वहीं पर होगा जी। अरे अरे जल्दी तो आ। आ रही हूँ जी। मेरे हर बात का जवाब देती हो, आ रही हूँ। मैं बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? भाग्यवान कहाँ रह गई? क्या है जी? ये क्या टॉवेल की जगह नेपकिन ले आई? टॉवेल तुम्हारे कांधे पर, ये देख सकती हूँ। देखो अगर ब्रश मेरे मुंह में हो और मैं पूछूं कि ब्रश कहाँ है तो तुम्हें दौड़ के आके बताना चाहिए कि ब्रश तुम्हारे मुंह में है जी। और मैंने कॉफी मंगाई थी, कहाँ है कॉफी? आपने नहीं पूछा जी। नहीं पूछा तो क्या मनमानी करोगी? नौकरी करती हो तो घमंड हो गया है? मेरी नौकरी चली गई तो मुझ पर रौब झाड़ोगे? जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ, नहीं तो मार खाओगे। मुझ पे रौब झाड़ती। क्यों बेटी माँ का पेपर पढ़ रही हो, बाप को हेडलाइन तो सुना। औरत की कमाई पर उसे जीना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। क्या सिर्फ इसलिए? जी हाँ डैडी, वो क्यों इस तरह से मर गया? वो अच्छी तरह से भी तो जी सकता था। बच्चे लोग पेपर नहीं पढ़ते, इधर तो कॉफी। पेपर पढ़ रहा हूँ, दिखता नहीं क्या? मेरा हाथ खाली नहीं है, कॉफी पिलाओ। माँ जी दया करो, मेरा हाथ खाली नहीं है भाई, जाओ। भिखारी भी माँ का कर भीख मांगता है, पिताजी का कर क्यों नहीं मांगता? वो नहीं खराब हो गया लगता है, दिन खराब जाएगा। इधर आ जी साहब। इस घर का मालिक कौन है पता है? नहीं। मैं हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगो। मुझे भीख दे दीजिए। देता हूँ, अभी देता हूँ। तुझे तो आज स्पेशल आइटम भीख में देता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये नहीं दूंगा, करकी चल रही है, इसे पकड़। जस्ट एक साल पहले अपनी भी ऐसी हालत थी, वर्किंग वाइफ बेकार हस्बैंड, तुम्हारी तरह मैंने भी एक दिन बहुत कुछ बोल दिया तो बस घर से बाहर। तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा, ठीक है? अभी मंदिर के पास ही रोज मुलाकात होगी। ये क्या भीख दे रही हो? मैं अच्छा मेरा पॉकेट मनी कमाऊ, पत्नी बेरोजगार पति को दे रही है। पॉकेट मनी नहीं, दूध वाले को। अरे दूध वाले को ही पॉकेट मनी देती हो? अरे मुझे तो चुल्लू पानी डूबाना चाहिए। ये रहा तुम्हारा पॉकेट मनी। मेरी बहन तुमसे ज्यादा अकलमंद है। भाभी तुम जाओ, ठीक है? बहन एक बात सुनो, तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर, तुम्हें क्लासिकल डांसर बनाने में मैंने जो खर्चा किया है ना उसी का ब्याज ले रहा हूँ मैं, समझी? ये क्या, ये यहाँ पर क्यों खड़ा है? मेरे लिए क्या? इसे तो मजा चखाना ही होगा। कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर मेरे लिए खड़ा है? अगर मेरी तरफ देखा तो मजा चखाऊंगी मैं इसे। देख रहा है, देख रहा है, लगता है इसे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि कंट्रोल, पास आएगा तो उसे देख लेंगे, तब तक चुपचाप बैठो। हाँ।
वापस आएगा तो नहीं? ये क्या, ये तो गया। Excuse me, please. Thank you. If you don't mind. Okay. क्यों? क्या सोचा था किसी और के लिए आया हूँ? तुम्हारे लिए आया हूँ? अरे बाप रे, इतना गुस्सा खून करने का इरादा है क्या? हाँ सही बात तो है। अरे कोई भी अनजान अपरिचित आदमी भी सड़क पे लड़की को आई लव यू बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आ रहा है। सिर्फ गुस्सा? अरे मैं होता तो मार ही डालता। पहले तो ऐसा ही लगेगा पर बाद में तुम उसके बारे में सोचने लगोगे, है ना? अरे हाँ हाँ। तभी तुम्हें उसके प्यार का महत्व समझ में आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा उससे प्यार करो तो अच्छा रहेगा, है ना? जी हाँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ। कौन है आप जो उससे इस तरह बात कर रहे हैं? मेरा नाम अशोक है, ओल्ड सिटी में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ और खराब गाड़ियाँ ठीक करता हूँ। मुझ में सहन शक्ति कम है और गुस्सा आने पर बहुत मारता हूँ। अच्छी आदतें भी है, बुरी आदतें भी है। तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ ये मेरी बुरी आदत है। तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ ये मेरी अच्छी आदत है। बोलो मुझसे प्यार करोगी ना? बोलो। क्यों इस तरह मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं? अरे बाप रे बाप अशोक, कितनी बड़ी बात कह दी इसने। ईमानदारी से सब कुछ बता दिया तो कहती है मेरी जिंदगी से खेल रहे हो। देखो आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, न तुमसे बात करूंगा और ना ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना कि मेरे बारे में सोचना भी नहीं, और अगर तुमने सोचा तो मैं फौरन पहुंच जाऊंगा, बस कंफर्म्ड। ओके ओके ओके। वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। ये लो, सोचो मत, ले लो, ये तुम्हारे लिए है। एक बात बताइए सर, शहर में क्या हो रहा है? जेपी को किसने मारा? ये सारी लाशें किसकी? मरे हुए लोगों की लाशें। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ किसने मारा, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ये सब बिहार से आए हुए प्रोफेशनल किलर्स हैं, अपराधी हैं। वो लोग यहाँ पर क्यों आए सर? वहाँ पर नदी नहीं है ना। शट अप। देखिए, जेपी को मारने के लिए उसके भाई ने वहाँ से आदमी बुलवाए थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसके भाई ने इन सबको किसने मारा? पूछे आप बताइए ना। जेपी के भाई ने। लेकिन वो उन लोगों को बुलवाकर खून क्यों करवाएगा? ताकि खून का कोई चश्मदीद गवाह ना मिल सके। जेपी का भाई फरार है, वांटेड है, उसके मिलने पर ही सारी बातों का पता चल पाएगा। सर सर सर, एक आखिरी सवाल सर। देखिए, केस के बारे में इन्हें सब पता है, आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इनसे ले सकते हैं। वो है सर, आप तो सच बोलिए सर। अब तक हमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सब क्या झूठ है? नहीं सर, आपको जो सच पता है वही बताइए सर। सच छापोगे क्या? बिल्कुल सर, हम मीडिया वाले हैं सर। तो फिर तुम लिखो, इन लोगों को मारने वाला, जेपी को मारने वाला के है। के? ए, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? के ने किया, करवाया है के की माँ ने। माँ ने? तुम्हें इसके बारे में पता है? वेरी डेंजरस। लिखोगे क्या? फिर कल परसों एक मर्डर होगा, वहीं पर मुलाकात होगी। मैं हर तरफ कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी कहा सोचा था, पर कल बैठा ना, अब एक और नई मुसीबत आ पड़ी है। क्या हुआ? और सुबह सुबह बाहर जा रहे हो? क्या बात है, तू आजकल क्या मंदिर मस्जिद ज्यादा ही जाने लगी है? अच्छा पति मिले इसलिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है डैडी, और तुम एक हो जाओ इसलिए पूजा करने जा रही हूँ। बेचारे भगवान को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये लो माँ ने दिया है। हाँ बोलो भाई, हमें जो खबर मिली वो सही है, वो उसी घर से बाहर आ रहा है। अकेला है क्या? नहीं नहीं, तीन लोग हैं, वो लोग उधर ही आ रहे हैं। वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसका पीछा करो और अपने सभी आदमियों को खबरदार करो। No!
पांडे चलो अशोक चलो यहाँ से चलो है? किसने मारा इसे कौन है वो भाई भाई मुझे एक आदमी ने मारा मैं कॉर्पोरेटर हूं मुझे कोई इज्जत ही नहीं दी और मुझे मारा 10 दिन से हॉस्पिटल में थी मैं उन्हें अभी लेकर आ रहा हूं उसके कैसे भी करके हम सबको टुकड़े टुकड़े करना होगा इतनी मारा मारी हुई और तुम्हें कोई असर ही नहीं हो रहा तुम्हारे आदमी को मारा उसने मुझे मारने पर तुम्हें क्या दर्द होगा हां वो जब तुम्हें मारेगा तभी तुम्हें पता चलेगा जिसने मुझे मारा तुम अगर चाहो तो उससे मार सकते हो इसने मुझे इस तरह से क्यों मारा मैंने कुछ गलत कहा क्या देखो जीवा इसे एक मारा तो ये होश आवाज खोकर बैठ गया ये तुम्हारी शिकायत क्या सुनेगा अपने ही शहर में इस तरह से मार खा के आ गए ये बात कुछ हजम नहीं हुई कौन है वो जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बता रहा है माँ बताओ बेटा कौन है वो कैसा दिखता है कुछ भी नहीं बता रहा है माँ बताओ बेटा बताओ एक बार बताओ तो सही बताओ बेटा बताओ क्या बताओ किसने मुझे मारा वही सोच रहा हूँ मैं और आप पूछे जाओ किसने मारा इसे पता ही नहीं कि किससे मार खाया इससे तो अच्छा मैं हूँ कि मुझे पता तो है कि किससे मार खाया देखो बेटे उसने तुम्हारे बड़े भाई को मारकर बहुत बड़ी गलती की इस बात का पता सबको चले इससे पहले उसकी मौत की खबर सबको चलनी चाहिए माँ वो कोई भी हो कहीं भी हो उसे तो मरना ही है भगवान 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 उसने जैसे कहा उसी मुताबिक उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहती हकीकत में सपने में या किसी भी तरह से प्लीज वो मेरे ख्यालों में नहीं आना चाहिए अब तक वो मुझे याद नहीं आया हेलो तुम इधर तुमने याद किया ना कहा था ना याद करोगे तो फौरन आ जाऊंगा नहीं मैंने तुम्हें याद नहीं किया ना ही तुम्हारे बारे में सोचा तुम नहीं सोचती तो यहाँ पर कैसे आता हमारे अधूरे किस्से का क्या हुआ कौन सा किस्सा मोहब्बत का प्यार करती हो तो प्यार का इकरार करो नहीं तो कब इकरार करोगी ये बताओ नहीं बताऊंगी बुआ अंदर चलो ना यहाँ आइए यहाँ 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 आई लव यू क्या तुम उससे शादी करोगी करूंगी ना मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए देखा उसने क्या कहा वो सोचकर बताएगी और तुम्हें गुस्सा आ रहा है वैसे भी तुमसे शादी जी 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 मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था टेंशन मत लो चले जाओ यहां से प्लीज हेलो क्यों क्या हुआ देखकर फ्लर्ट हो गई क्या बाप रे बाप तुम लड़कियां एक जैसी होती हो सीधे सीधे मैंने तुमसे आई लव यू कह दिया तो तुम्हारी समझ में नहीं आया अंधा बनकर हाथ पकड़ता भिखारी बनकर भीख मांगता तो तुम जरूर मेरे चक्कर में फंस जाती तुम भी अगर उन्हीं लड़कियों में से हो तो मेरे पास ऐसे तरीके भी बहुत हैं सुबह उठकर तुम्हारे घर के सामने एग्जीबिशन लगा दूंगा कौन है रे बाप रे भैया इधर आओ ये मेरा साला है क्या क्यों साले साहब कैसे हो प्लीज हां हेलो हेलो देखा मेरी कितनी इज्जत है तुम इनसे कुछ सीखो ए साले अपनी बहन से कहो मुझसे प्यार करे ओके ओके ठीक है ओके 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 देखा मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर आया है वो लड़का क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ये बगैर पायलट की बोली है इसे डबिंग आर्टिस्ट ही समझ सकता है तुम ही समझोगी चलो प्लीज अशोक मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ ना भैया क्या सोचेंगे ओहो इसका मतलब तुम्हारी चाबी वहाँ है तुम्हारे बारे में सीधे तुम्हारे भाई से बात करूंगा ठीक है ना कल शाम 5 बजे तुम्हारे घर आकर अपने बारे में सब कुछ उन्हें बता दूंगा अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो तुम उसके बारे में नहीं जानती हो वो कोई हीरो है क्या लगता तो ऐसा ही घर आने के बाद कह गया उसने ऐसे ही कहा होगा कहने वाला हर कोई घर थोड़ी आ जाता है बहुत बड़ा जिगरजाई होता है वो ऐसा ही है अगर वो कह कर गया तो जरूर आएगा कुछ ना कुछ करो ना अरे तुम उसकी बातों से इतना क्यों डरती हो उसने तुम्हारे साथ कोई हरकत की ना तो हम दोनों छुट्टी कर देंगे ओह अगर मैं उससे कहूंगी कि उसने मुझे छुआ है तो ये सच मान लेगी हाथ लगाया कहाँ हाथ लगाया उसने दिखा यहाँ पर कमर में हाथ लगाया हाँ। उसकी ये मजा बीच चौराहे में खड़ा करके उसे सबक सिखाएंगे हम आज से उसकी जिंदगी खत्म तुम परेशान मत हो भाई सब संभाल लेगा वो आ रहा है
बॉस, वो इसे फोन करके सताता रहता है। जहाँ कहीं भी मिलता है तो इसे परेशान करने लगता है और बार बार आई लव यू कहता है। तुम भी ना बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कह रही हो। बताने दो ना, तुम चुप क्यों बैठी हो? बॉस को बताओ ना वो किस तरह का लड़का है। बॉस ना उसे सबक सिखाएगा, वो मजा चखाएगा। जी हाँ बॉस, वो बहुत बड़ा 420 है। आगे आगे क्या पूछते हो बॉस? उसकी इतनी हिम्मत, यहाँ वहाँ हाथ लगाया उसने। हाथ? अरे सिर्फ हाथ नहीं, सारे लोगों के सामने उसने किस कर दिया। क्या कर दिया ना? अब आपको ही कुछ करना होगा, जो भी करना जल्दी करना। हाँ, क्या करना होगा? आप क्या करोगे हमें नहीं पता। हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, जो करना है करो। हाँ मैं तो तोड़ूंगा ही, तुम पहले बाहर चलो, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। ओके बॉस, तुम फिक्र मत करो, सब संभाल लेगा भाई, डोंट वरी। हाँ जाओ, मैं संभाल लूंगा। क्या मैंने तुम्हें हाथ लगाया? कहाँ लगाया बताओ। मैं तो पहली बार इस जगह को देख रहा हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला बताओ, बताओ। असर होगा इसलिए। अरे बाप रे, असर होगा इसलिए? अच्छा हुआ तुमने ये मुझसे कहा, अगर यही बात गुंडे से कही होती तो मेरी तो आंख फूट गई होती, मेरे हाथ पैर टूट जाते, और तो और मुझे मार डाला होता। यानी तुमने मेरे मर्डर का प्लान बना दिया। इतना कुछ नहीं सोचा था मैंने। तो क्यों नहीं सोचा, क्यों? वो उठाओ अपना सर और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अब कहो मैं लड़कियों को परेशान करने वाला लगता हूँ? नहीं। लड़कियों पर हाथ डालने वाला लगता हूँ? नहीं। मेरी आंखों में जो प्यार है वो सच्चा है ना? जी हाँ। अब तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ। तो कहो ना। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। तुम्हें मैं तो क्या भगवान भी नहीं बदल सकता, आज के बाद कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। जा, जा। तुम्हारी खूबसूरती देखकर पीछे पड़ा हूँ तो मुझे देखते ही पसंद आ गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये हाथ छोड़ा लो, पर जो दिल में प्यार है वो नहीं जाएगा। एक बार मैं पसंद हूँ ये कह दो, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा।
क्यों डर रही हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहती कहाँ हो? ए भाई उड़ा दूं। अरे अरे ए अंजलि क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ अंजलि? अंजलि अशोक अरे अंजलि मेरी बात सुनो सुनो अंजलि अंजलि कूल डाउन कुछ नहीं होगा कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन मार डाला सर हम लोग आपको टिकट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हाई कमान से इशारा हो गया है पक्का वो सीरिया का है मुझे उसके बारे में तुम लोग पूरी जानकारी ला के दो जेपी और उसके भाई को मरे हुए गुंडे को टिकट नहीं देना चाहिए ये कहकर कुछ एमएलए हाई कमान पर प्रेशर दे रहे हैं कौन है वो आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए हमारा सपोर्ट आपके साथ है क्या हुआ सत्या का खून करते वक्त मुझे एक लड़की ने देख लिया माँ मैं उसी से शादी करूंगा सच जी कितने दिनों बाद ये सोचा तुमने ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा लड़के दिखने में कैसी है अच्छी है बहुत अच्छी है माँ उस लड़की की आंखें बहुत खूबसूरत ये तो उस लड़की की खुशनसीबी है कि वो तुझे पसंद आई उस लड़की की जानकारी निकालो कि वो कहाँ रहती है क्या करती है सब कुछ बताओ मुझे ठीक है कंपनी के काम से मैं बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाला हूँ और जाने से पहले ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है इनके पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं और पिताजी पिताजी को प्यार से नफरत है जरूर मना कर देंगे तो प्यार करने की हिम्मत क्यों की तुम्हारे भरोसे पर वैसे ही कम मुसीबतें नहीं और मुसीबत खड़ी मत करो जाने दीजिए मंदिर में शादी कर लेंगे ये गलत है बड़ों से दूर रहने की तकलीफ मैं जानता हूँ संध्या पिताजी की जान है अगर वो बिछड़ गयी तो पिताजी मर जाएंगे फिर हमारी शादी करेंगे पिताजी की मर्जी से ही मैं शादी करवाऊंगा ये मेरा वादा है लेकिन कैसे वो तो अपनी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते तुम बोलोगे तो उन्हें गुस्सा आएगा हाँ वही गुस्सा तुम्हारी शादी करवाएगा माँ 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 अरे अभी क्यों आए हो माँ तुम्हारे पिताजी घर पर ही मौजूद हैं संध्या घर में उसे बुलाना संध्या लेकिन किस लिए बताता हूँ ये जग्गू है ना नमस्ते बाजी नमस्ते ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है कुछ ज्यादा ही समझदार है घबराओ मत संध्या कहाँ संध्या संध्या नमस्ते बहन है वो पैर क्यों पड़ रहे हो तेरी बहन या मेरी बहन कॉमेडी 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 सर उठाकर सामने देख मैंने कहा सर उठाकर देख तुम्हारे पिताजी आ गए अगर वो है तो सुने सुने इस घर में एक जवान लड़की है उन्हें इसकी शादी की चिंता बिल्कुल नहीं है लेकिन मुझे है मैं भले ही मैं उनका बेटा नहीं हूँ लेकिन इसके बाद भी इस लड़की का भाई हूँ मैं इस लड़की का और इसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ दूर हटना यार ऐसे क्या देख रही हो दूल्हा लेकर आया हूँ ये नमस्कार बहुत हो गया अपने बारे में कुछ बताओ आई एम जग्गू जगन्नाथ यम ए एफ आर सी एस यम ए बी एल डी ए एस ये सब फेल हूँ माजी तुम्हारी उम्र से ज्यादा तुम्हारी डिग्री तो है फिलहाल मच्छरों के बीच में रहकर मलेरिया डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ मच्छर भी काट रहे हैं महीने में 6,500 पगार मिलता है 2,500 कट के 2,500 कट जाता है 4,500 हाथ में सुना आपने इसका बायोडाटा आदमी छोटा है पर इसका दिल बड़ा है छोटा किस बात एक टाइम का खाना भी प्यार से खिलाएगा जनाब तुम एक वक्त की बात करते हो एक वक्त में इतना पूरे मोहल्ले को बिरयानी खिला सकता हूँ कितनी बड़ी कुर्बानी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरे जन्म होते ही सब लोग परलोक सिधार गए देखा कितनी किस्मत वाला है उसमें सास ससुर का नाम भी जोड़ दूं क्या हाँ बिल्कुल क्या सोच रही हो क्या दूल्हा किसी से कम है और वैसे भी हम मिडिल क्लास के लोगों को कोई कंप्यूटर इंजीनियर या अमेरिका में सेटल होने वाला थोड़ा ही मिलेगा इम्पॉसिबल पेपर में इश्तेहार दो टीवी में विज्ञापन दो marriage.com में भी दो तो भी नहीं मिलेगा और कंप्यूटर इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा इसीलिए इसे लाया हूँ इससे अच्छा कोई रिश्ता तुम्हें मिल ही नहीं सकता हाँ कर दो नहीं लेडीज से बात मत करो जो भी बात करेंगे अंकल से बात करेंगे तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं जानते उनसे कुछ मत कहना डरो मत देखो मैं कैसे पटाता हूँ मान जा मेरे यार मेरे एक्टिंग पे भरोसा नहीं है तुम्हें अबे मान जा मैं बड़ा हूँ जो कहता हूँ सुनो मेरे सामने शाहरुख खान भी कुछ नहीं लेडीज साइड प्लीज अंकल 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 हाय अंकल आई एम जग्गू ओके ओके
आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप महान हस्ती हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर आपकी पूजा करूं। I'm sorry। गया? मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको श्रद्धा पूर्वक नमन करूं। रिश्ता मुझे मंजूर है। मैं आपको पसंद ना हूं, ये हो नहीं सकता। तकदीर आपका दरवाजा ठोक रही है, आप दरवाजा जल्दी खोलिए। ऐसे क्या देख रहे हो ससुर जी? अच्छा दामाद मिल रहा है इसलिए शौक हो गए क्या? ये तो होना ही था। पर मुझे दहेज लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी आप अपनी बेटी को खाली हाथ तो भेजोगे नहीं? वैसे मुझे ये धूम धड़ाका ज्यादा पसंद भी नहीं है। मैं तो अकेला हूँ, आप लोग भी किसी को मत बुलाना। रजिस्टर मैरिज करके कोई छोटे से होटल में जाकर खाना खा लेंगे। फालतू खर्चा मुझे पसंद नहीं है, और मेरे जैसा दामाद मिला है आपकी किस्मत है। जल्दी से मुहूर्त देकर शादी करवा लीजिए। एम आई राइट? ओ, आप कितना खुशकिस्मत है। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी कीजिए। ओ, आप बहुत खुशकिस्मत है। अरे 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 मुझे बता। अरे क्या बताऊं, जोश में आके इतना बोल गया कि बेवजह पिटाई। वैसे भी हम मिडिल क्लास वाले जो दहेज देते हैं उसमें कोई कंप्यूटर इंजीनियर या अमेरिका में सेटल होने वाला थोड़ा ही मिलेगा। इम्पॉसिबल। अरे हड्डी हड्डी टूट गई है। अरे बाप रे, ये तो फिर यही आ रहा है। इस बार तो मैं कोमा में पहुंच जाऊंगा। अरे 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 बचाओ मुझे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मैरिज ब्यूरो का चीफ कौन है? वो रहे सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। क्या हो गया? मार कर पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। आपने मुंह क्यों छुपा रखा है? आज सोमवार का दिन है ना, सोमवार के दिन चेहरा ना दिखाने का व्रत लिए रहता हूँ। ये देखिए, इसमें मेरी बेटी का फोटो और डिटेल्स है। उसके लिए अच्छा रिश्ता चाहिए। गोल्डन रिश्ता ढूंढ लूंगा। गोल्ड और सिल्वर नहीं, फिर? लड़का खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, हाँ। और ऊपर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ, होना पता चाहिए। है मुझे पता है, पता है। आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, आजकल लड़की वाले चाहते हैं कि लड़का कंप्यूटर इंजीनियर हो और आगे चलकर अमेरिका जाने वाला हो। आपका फीस कितना है? डॉक्टर की फीस? क्या डॉक्टर की फीस मतलब? अरे अरे वही शादी की फीस। आप जो दे देंगे वो ठीक है। ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लगती है। अरे पहले मैं टीवी चैनल में काम किया करता था अपनी आवाज में। अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, शाहरुख खान, विवेक की कमेडी किया करता था। इट्स ऑल राइट, फिलहाल ये 20,000 रहने दीजिए। पैसा कहाँ जाएगा? मुझे तो आप पहचानते नहीं और कहते हो पैसा कहाँ जाएगा। आप मुझे जानते हैं? मां कसम नहीं जानता सर। देखिए सर, सर ऐसी ही डिटेल्स मैंने दूसरे जगह भी दी है। हाँ। उनसे पहले अच्छा रिश्ता लेकर आना, पैसे की चिंता मत करना। एक हफ्ते में काम हो जाना चाहिए। रिश्ते में कोई खामी रही तो भूल जाऊंगा कि मैं इंसान। हाथ जोड़ता हूँ सर, आप खुशी से जाएंगे तो मैं भी खुशी से रह पाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए सर। ये मैं कहाँ फंस गया भगवान? क्या है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे हो? और कैसे रहूंगा, अपने पिताजी के पास फंसा दिया मुझे। तुम पिताजी को नहीं जानते। घर में मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, तुमने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की तो वो क्या छोड़ देंगे? अपना टैलेंट दिखा दिया। चल छोड़ यार, जो हुआ उसे भूल जा। मेरी बहन की शादी तय हो गई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये देख इस फोटो वाले लड़के को ध्यान से देख, इसकी फैमिली और मेरे पिताजी की मीटिंग फिक्स कर दो, शादी हो जाएगी। मेरी मौत आ गई। हट यार। सर नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब छूटी तुम्हारी? एक साल हो गए सर। कल जाकर जिसने तुम्हें नौकरी से निकाला है उस बॉस की कुर्सी पर बैठना। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। ये सच है या ड्रीम है? सपनों के लिए इस भाई को बताओ, वो भी सारे सच कर देंगे, समझे? भाड़े से रहता हूँ लेकिन सपने खुद के ही देखता हूँ। अगर हम चाहे तो सपने सच कर सकते हैं। ड्यूप्लेक्स फ्लैट? सर मैंने सोचा आप लोन देंगे घर बनाने के लिए, आपने तो घर ही दे दिया। कहीं आप लोग मुझे फंसाने का कोई बहाना तो नहीं कर रहे हैं? देख, फंसाने वाला काम भाई नहीं करता, ज्यादा बड़बड़ करेगा ना तो जाएगा काम से, समझ गया? हाँ। सर मुझ पे आप लोग इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूँ। सही नहीं है, इसने घर पे नाच रहा है। सही होता ना तो ये हीरो होता। सर मुझे रिश्ता मंजूर है। इसी हीरो की बात कर रहे थे क्या? हीरो क्या कहते हो? अरे आज तो ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहा है। मुहूर्त कभी रखेंगे? वो सब माँ बात कर लेगी। शादी होने तक तुम हमारी होने वाली भाभी की सिर्फ हिफाजत करना। ठीक है। अंजलि कहाँ है? इन ऑर्बिट में फिल्म देखने गई है, आते ही खुशखबरी सुना दूंगा। अंजलि से कुछ मत कहना। हाँ। मैं अपने प्यार की बात उसे खुद बताऊंगा। यहाँ जो हुआ उसे भूल जाओ तुम। अंजलि को कुछ मत बताना वरना ये लोग मुझे मारेंगे।
अगर उसे बताया तो मैं तुझे मार दूंगा, समझे? जाओ, मैं शादी में आऊंगा। तुम आओगे तो ही मैं मंगनी करूंगी, समझे? वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम तो पिताजी को जानती हो, मैं आऊंगा तो वो मंगनी रोक देंगे। नहीं आए तो मैं रोक दूंगी। ए, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? चुपचाप जो कहता हूँ वो सुनो। इतनी मेहनत से शादी तय कर दिए तो अब नाटक कर रही हो? क्या हुआ, नाराज हो गए? ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं करना, किसी और के सामने करना। तुम नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी, समझे? बिल भरो यार। भाई, जिसने मुझे मारा था वो यहीं पर है। हेलो पांडे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई जोर से बोल। हाँ भाई, भाई भाई भाई, सॉरी भाई। हेलो, इसे मत छोड़िएगा, ये वही है जिसने मुझे मारा था। क्या कहा? आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भैया आएंगे ना? हाय संध्या, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भैया किधर है? अशोक, तुम्हें पता है क्या? तो ठीक है, मैं भी मंगनी नहीं करूंगा। सुनो वो, आइए आइए, तुम अंदर जाओ। ठीक है। नमस्ते, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई, नमस्ते। आइए। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? जी मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, इधर आना। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अशोक और ये मेरे होने वाले ससुर जी। आइए। आना। जजमान, बेटे की शादी कब तक करनी है? अच्छा सा मुहूर्त देख कर रखिए। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। 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 अरे राजेश, तेरी शादी में भी इसी पंडित को बुलाएंगे। राजीव, मैंने बुलाया, तुम चले आए, अच्छा लगा। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया था, वो क्यों साथ में आया? लेकिन वो आपका बेटा। मुझे पता है वो मेरा बेटा है, किसी न किसी बहाने से हर बार तुम उसे मेरे करीब लाना चाहते हो, जो नामुमकिन है राजीव। अंकल, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता। उसके साथ ना कभी मेरा रिश्ता था, ना है और ना रहेगा। जिस दिन मैंने उसे अपने घर से निकाला था, उसी दिन से वो मेरे लिए मर चुका है। इसे कहो चला जाए। सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। तुम्हारा दिल घायल कैसे हुआ? मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, प्यार और गुस्सा दोनों मुझ में ज्यादा हैं। मेरी कोई भी बात पिताजी के साथ में नहीं जमती। एक छोटी सी बात ने हम दोनों को अलग कर दिया। मुझे मेरे परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार है, खास करके राजीव, उससे कुछ हुआ तो मैं संभल नहीं पाता। राजा को क्यों मारा? क्या फिगर है यार? शेखर, रुक जा। लड़कियों की इस तरह से फोटो निकालना गलत है। हट। अरे हट बे। ये लड़की वो लड़की सब लड़कियों की फोटो इकट्ठा करके नेट पे न्यूज क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है। नेट पर भेजोगे तो मैं तेरी तस्वीर निकालूंगा। अपने कपड़े उतार। ये क्या कर रहे हो? उसकी फोटो निकालूंगा। छोड़ दे। ला अपना मोबाइल मुझे दे। तुम मेरे माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी बहन है।
लावारिस कहते हैं, लावारिस कहते हैं उसको, मैं उसका वारिस हूँ, शासक बिल्कुल मारोगे उसको, शासक, शासक, मैं मार डालूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, रुक जा शासक, अरे अकेला देख के मुझे मारा तुझे छोडूंगा नहीं, जा सालों का मार डालना, शासक, तुझे मारना चाहिए, तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा, तुम गुस्सा करोगे इसलिए नहीं बताया, किस बात पर गुस्सा, मेरी बात, प्लीज अशोक कूल, आज त्योहार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज कूल डाउन, प्लीज मेरी बात सुना करो, त्योहार के दिन कम से कम दो बार नहाना चाहिए। अरे तुम तो मुझे बच्चों की तरह नहला रही हो, माँ तुम्हारी उम्र हो गई है। क्या मेरी उम्र हो गई है? रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ, उम्र हो गई ना, उम्र हो गई मेरी। छोड़ो माँ, मैं खुद ही पोछ लूंगा। नहीं मेरे बेटे, मैं पोछ देती हूँ। रुक, कहाँ गए थे? डैडी अपने घर का काम चल रहा है ना, वही देखने के लिए। झूठ मत बोलो, कहाँ गए थे तुम और उसे मारा क्यों? अभी तो मारा था, खबर मुझसे पहले पहुँच गई। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ उसे मारा क्यों, क्यों मारा? उसने जो गलती की थी उसके लिए मारना जरूरी था। पता है तुमने उसे मारा, ये मुझे पता है। क्या कहा? वो तो पहले का झगड़ा था, आज तो मैंने उसको मारा। ये कोई और है क्या? अब वो भी यही था, दोनों एक ही हैं। मुझे बातों से उलझाओ मत, उसे मारा क्यों? उसने क्या किया आपको पता? वो सब बहाने मुझे नहीं सुने, तुमने उसे मारा या नहीं? हाँ मारा, उसने जो गलती की आप होते तो आप भी मारते। मैं नहीं मारता, वो कितनी भी बड़ी गलती करता तो मैं नहीं मारता, उसके लिए पुलिस है, कानून है। अरे बाबा मेरी बात सुनो, त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा छोड़ो, इसे नहाने। चुप रहो, पहले इस बात का फैसला होने दो। तुम कब बदलोगे? तुम बचपन से ही झगड़ा करते थे, कॉलेज में भी झगड़ा करते थे, एक बार जेल जा चुके हो फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम्हारे अलावा इस खानदान में कोई जेल नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? तेरे पिताजी भी तो जेल गए थे। उनकी बात कुछ और थी, वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जेल गए थे फ्रीडम फाइट के लिए नहीं, रास्ते पर झगड़ा कर रहे थे, मुझे सब मालूम है। ठीक है बस करो, आधा तो आपने बिगाड़ा है इसे। अरे अब बस भी करो, इसकी उम्र क्या है? पिताजी पिताजी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा, माफ कर दो पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चलो माफ किया, मैं कभी भी तुझे डांटना नहीं चाहता बेटा, और ना ही कभी कोई सजा देना चाहता हूँ। सुनो, ऐसे झगड़ों से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, इन सब से तुम दूर रहो, यही मेरी कोशिश है। अच्छा उपदेश देना बंद करो, हटो। देखो तुम इसकी बात मत सुनो, अगर कोई बदतमीजी करे तो तुम उसे मारो। हाँ मुझे मुझे तंग मत करो, दादी क्या हुआ? क्या हुआ दादी? अशोक गाड़ी और तेज चलाओ। अरे अशोक गाड़ी क्यों रोकी? एक मिनट पिताजी। जल्दी आना बेटा। इस शिखर मेरी बात सुनो, गुजारिश करता हूँ, बाजू हटो। अरे आ जाओ बेटा। तूने तो बोला था तू 100 पर भारी है, अरे ये देख ये तो सिर्फ 10 ही है। मेरी दादी सीरियस है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज। अरे मारता क्यों नहीं? मेरे सामने से हट जा प्लीज, बच्चे मारना। अरे अरे नहीं नहीं पिताजी, अरे अरे छोड़ो मुझे पूछने दो, बात क्या है भाई? आज सुबह मुझे इसने कुत्ते की तरह मारा, अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। देखो तुम लोगों का झगड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मेरी माँ बहुत सीरियस है। अरे हम भी तो सीरियस है, क्यों भाई? इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ भाई। पिताजी तुम चुप रहो, चुप। इसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। इसके बदले में तू मार खाएगा, खाएगा? अरे अरे वहाँ माँ को देखो, ए झगड़ा बंद करो। नानी को बुलाओ, वहाँ माँ को देखो और आओ बेटी। सॉरी, अगर आप 15 मिनट पहले अपनी माँ को अस्पताल ले आते तो शायद जान बच जाती।
चले जाओ, चले जाओ, माँ को हाथ मत लगाओ, चले जाओ, माँ को हाथ मत लगाओ। इतनी बार कहा कि झगड़ा मत करो, झगड़े की वजह से मेरी माँ मर गई। पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो, पिताजी मत कहो, बस यहां से चले जाओ, चले जाओ। तुम यहां रहोगे तो मुझे, मेरी बीवी को और मेरी बेटी को एक एक करके मार दोगे। पिताजी लेकिन, चले जाओ, चले जाओ यहां से। आज मेरी माँ ही नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा भी मर गया है। यहां से चले जाओ, हमसे दूर चले जाओ। तू हमारे लिए मर चुका है, कुछ नहीं सुनना। हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिताजी की है। लेकिन मैं तो परिवार से दूर हो गया अंजलि। मेरे पिताजी मेरी जान है, उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंजलि, तुम्हारे पिताजी में भी तुम्हारी तरह प्यार और गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए तो तुम दोनों अलग हो गए हो। कभी ना कभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बातें जरूर समझ में आएगी, उस दिन वो तुम्हें घर पर जरूर बुला लेंगे। मैं जो कहती हूँ वो हमेशा सच होता है। थैंक्स अंजलि। भाई, मुझे इसी ने मारा था भाई। लगता है वो इसकी लवर है। अरे, अरे, एक मिनट रुको। अरे, अभी अरे, कहाँ गया? कहाँ चला गया? उस तरफ। ठीक है भाई, उसका पीछा करो, उस तरफ। छोड़ लो नहीं। कौन है वो, बता। अरे ये कौन है मुझे भी पता नहीं, मेरी बहन के साथ कोई घूम रहा है, मुझे आज ही पता चला है। तक भाभी की जिम्मेदारी तेरी थी ना भाई। वो कौन है पता चल गया? अपने लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गैरेज का मैकेनिक है, उसके चार दोस्त हैं, उस लड़के का नाम है अशोक। अशोक मरना चाहिए, वो किस लिए मरेगा उसे पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का उसे तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसे गाड़ी में बिठाओ। अरे बाप रे, इतना सारा बम। Hello. वो पांडे को बहुत मार रहा है भाई। कहाँ? कबूतर खाने के, वहाँ अकेला ही सबको मार रहा है। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, चलो। जितने लोग हैं सबको लेकर आओ, अपने लोगों को मार रहा है। आता हूँ भाई, चलो सब लोग। ए, अपने सभी लोगों की पिटाई हो रही है, तुम सब लोग आ जाओ। एक एक आदमी को मार रहा है। क्या कहा? सबको लेकर आता हूं। सब लोग
चुपचाप पीछे चले जाओ, चुपचाप पीछे, समझ गए? चुपचाप। भाई जल्दी आ जाओ, नहीं तो पांडे मारा जाएगा। चीना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? बाजू हटो। बहुत बड़ी गलती की, वो बम डालकर तुम इतने लोगों से बच नहीं पाओगे। बम जिस पर गिरेगा उसके साथ चार लोग भी मारे जाएंगे। Hey!
जो बचेंगे वो लोग इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, समझे? डालो, मैं देखता हूं कैसे बचोगे तुम। मरे हुए लोगों को देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मरते हुए देखता तो और अच्छा लगता मुझे तो। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। ओहो, आ गए क्या? अब तक प्रेस वाले क्यों नहीं आए, यही सोच रहा था। यहाँ पर क्या हुआ ये बताइए ना सर। बताता हूँ, लिखो। हाँ बोलिए सर। इलेक्शन में के सीट के लिए कोशिश कर रहा है, पॉलिटिकल लेवल में उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए उनके कुछ दुश्मनों ने डायनामाइट का इस्तेमाल किया है। ऐसा हमें पता चला है कि केके के भाई को और उनके साथियों को बुरी तरह से मारा है। ये जातीय झगड़ा है या राजनीति से प्रेरित है हमें नहीं पता। वो अकेला था? यस, वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। केके तो चुप बैठेगा नहीं, कई लोगों ने उसके ऊपर हमले किए हैं। उसकी अपनी स्टेटस है, उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, हाई लेवल तक कॉन्टेक्ट करेगा वो तो। उस आदमी ने केके को बहुत नुकसान पहुँचाया है। केके को नुकसान हुआ है क्या? नुकसान बहुत नुकसान हुआ है और इज्जत खराब हुई है। आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं तो केके कितना परेशान होता होगा। हाँ वही तो ना, केके कितना तकलीफ में होगा, आप सोचिए जरा। वो आदमी कौन है सर? कौन है पता नहीं, लेकिन उसने हम पुलिस वालों को और केके को डराया तो मामूली आदमी तो होगा नहीं। आप इस घटना पर क्या एक्शन लेने वाले हो? कानून अपना काम तो करेगा ही। ये तो बहुत पुराना डायलॉग है सर। तो नया लिखो। कुछ भी हो, हम इस घटना को सह नहीं पाएंगे। के कंप्लेंट करे या ना करे, उसे मैं अपना दुश्मन समझकर जरूर ढूंढ निकालूंगा और मीडिया के सामने ले आऊंगा। इसी ने केके को सबक सिखाया, ये मैं दुनिया के सामने साबित करके दिखाऊंगा। तब तक आप लोग मेरा कवरेज मत कीजिए, मैं बाद में स्पेशल इंटरव्यू दूंगा। समझ गए ना? ये लाइव है सर। ये एसीपी साहब ने मुझे कहने के लिए कहा था, मैं चलता हूँ। अशोक, ए, तुम यहाँ हो तो चीना के पास कौन है? चीना के पास अपने लोग हैं। तुम इस तरह पब्लिक में मत घूमो, पूरा शहर इस बात की चर्चा कर रहा है। झगड़ा हुआ पता है, किसने किया ये नहीं पता। वो केके क्या करने वाला है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। आइसक्रीम खाओगे? हैं? मैंगो है क्या? नहीं सर। ए, इतना टेंशन है और तुम आइसक्रीम खरीद रहे हो? किस बात का टेंशन है तुम्हें? वो बात नहीं है यार। अरे केके मामूली आदमी नहीं है, इस शहर में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तुमने उसके भाई को सड़क पर बुरी तरह से मारा है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुमसे जरूर बदला लेगा। सुनो, छोटू को डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। ये बॉल कितनी है? 10 है। पूरी दे दो। अब ये बॉल क्यों खरीद रहे हो? देखो चीना पहले ही मार खाकर तकलीफ में, हम सब उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो अपने दर्द को भूल जाएगा, समझ में आया? अरे मैटर इतना सीरियस है और तुम हो कि मैच खेलने की बात कर रहे हो। मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ। फिर 11वां दिन? अब मेरी बात सुनो, वो तुम्हें मार डालेगा और क्या, इतना होने के बाद वो क्या, हर कोई ऐसा करेगा। ए, तुम क्या पागल हो क्या? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? तुम्हें पता है कि वो तुम्हें मारने वाला है, फिर भी तुम यही रहोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? मारोगे? मारो मारो। अब क्या? ये लेकर चीना के पास जाओ। अशोक,
कहाँ है वो? उतरिए माजी, माँ, माँ, माँ। आइए। हे, आयो। बैठिए माजी। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। पूजा पाठ अच्छी तरह हुआ ना? मेरा नाम अशोक है और तुम्हारे छोटे लड़के को मैंने ही मारा है। उसने गलती की, इसीलिए मैंने उसको मारा। वहीं पर बात खत्म करने के बजाय फिर गुंडों को लेकर आया, इसीलिए मैंने दोबारा मारा। इतने लोगों को मारने के बाद भी आपका बड़ा बेटा बार बार गुंडे लेकर आता है, दिमाग नाम की चीज है कि नहीं इसमें? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पता है, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हारी ताकत। तुम्हें किसी ने पलट कर जवाब नहीं दिया। केके के नाम से सारा शहर कांपता है। मेरे बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, ये अशोक बोले तो ओल्ड सिटी में सबको पता नहीं होगा, पर अशोक के हाथों से जो मार खाता है वो 10 जन्मों तक नहीं भूल पाता। देखो माजी, ये झगड़ा, ये मारपीट, ये किसी से भी न डरना, ये मेरे खून में है। मुझे जगाओ नहीं, इस झगड़े को यहीं खत्म कर दो। तुम मुझे मानना चाहते हो तो मरने के लिए भी तैयार रहो जैसे मैं तैयार हूं। तुम्हारे बच्चे तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो उनसे कहो, उनसे कहो मेरे सामने आए। देखो माजी, मेरे पिताजी मुझे सहन नहीं कर पाए और घर से बेदखल कर दिया। अपने बच्चों से कहो मुझसे पंगा ना लें, यही उनके लिए अच्छा होगा। चलता हूं। अपने ही सर पर लेकर आया है। मैंने अभी कहा ना तुमसे, मारने वाले को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा भाई अस्पताल में है, वहां पर दो ही लोग हैं, उसे जीने की तमन्ना नहीं है क्या? मारो मारो मारो। तुम्हारे मारने से मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं जब चाहूंगा तभी मरूंगा। ए, मारना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तुम सिर्फ प्लान बनाओगे, स्पॉट बनाओगे, और अगर यही कोशिश मैंने की तो 1 सेकंड में 20 लोगों को मारूंगा। ए भाई, कहाँ है? अस्पताल में ही है। तेरी नजरों के सामने है ना? पूरा अस्पताल अपने कंट्रोल में है भाई। फिर वो अशोक ऐसा क्यों कह रहा था? तो अंधेरे में तीर चला रहा था। मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, भाई को जल्दी से बताना होगा कहाँ है भाई। भाई 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 भाई, भाई तुम कहाँ चले गए थे? कल इतना बड़ा झगड़ा होने के बावजूद तुम अपना सर कैसे उठाकर घूम रहे हो? मैं अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, इसलिए हेलमेट पहन के घूम रहा हूं। कहीं पर भी जाओ सब लोग कहते हैं कौन तुम्हारे भाई को नचा रहा है। तुम्हारे भाई को मारने के बावजूद भी तुमने कुछ नहीं किया।
कल इलेक्शन में तुम्हें वोट किस तरह मिलेगा? उसका जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा ही छोड़ दिया तो वो कभी न कभी 20 सड़क पर तुम्हें रोक कर तुम्हें धमकी देगा। उसका कुछ करो, सोचो उसका क्या करना है। अगर हमने उसका जल्दी कोई इंतजाम नहीं किया ना, तो हमें पछताना पड़ेगा। वो कभी न कभी 20 सड़क पर तुम्हें रोक कर तुम्हें धमकी देगा। अगर माँ साथ में रहेगी तो माँ को और तुम्हें भी धमकी देगा। उस दिन का इंतजार कर रहे हो क्या? तो उसे जल्दी से जवाब दो मेरे भाई, जवाब दो, जवाब दो। हाँ बोलो, बोलो जल्दी, बोलो क्या करना है उसका, जल्दी बोलो। नरसिम्हा भाई, मैंने उसको मारने को इसे कहा तो ये मुझे क्यों मार रहा है? मारने के लिए कहा ना, इसलिए तुम्हें मारा। जो घटना घटने वाली है उसे बताया तो इसमें कुछ गलत है क्या? जो घटना घट गई उसे बताया इसलिए। बोले तो सड़क पर धमकी देने वाली बात भी हो गई है क्या? हो चुकी है। बेटा गुस्सा मत हो। माँ ये क्या कह रही हो? ये अपना वक्त नहीं है, ये उसका वक्त चल रहा है। शहर में तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, तुम्हें ये नाम कमाने में काफी वक्त लगा है, लेकिन उसने तुम्हें मारा इसलिए उसका नाम तुमसे भी बड़ा हुआ है। इसीलिए पुलिस वालों ने, मीडिया वालों ने उसे हीरो बना दिया है। ऐसे समय पर तुम एक गलत कदम उठाओगे तो वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा। पांडे की वजह से तुम झगड़ा कर रहे हो ऐसा वो समझता है। अगर उस लड़की के बारे में पता चला तो और क्या, भाई की जिंदगी सड़क पर ही खत्म हो जाएगी। उसने जो कहा वो सही है। तुम लोगों ने उसके बारे में जो कहा था मुझे लगा वो मामूली है। उसे देखने के बाद मुझे पता चला कि वो क्या है। हम ताकत से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे दिमाग से मारना होगा। मैं बताऊंगी हमें क्या करना होगा। अशोक बोलो, शर्म नहीं आती, अकल नहीं है? तुम बदलोगे या नहीं? तुम नहीं बदलोगे, जब देखो तब झगड़े झगड़े झगड़े। छी, आपकी बात नहीं सुनोगे, पिताजी की बात नहीं सुनोगे, दोस्तों की बात नहीं सुनोगे, भगवान का कहना भी नहीं मानोगे। अशोक, अंजलि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम क्या कहना चाहती हो ये भी मुझे पता है। तुमने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी, फिर भी मैं नहीं बदल रहा। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, बस। मैंने जो किया वो गलत है, तुम मुझे सजा दो, मैं तैयार हूँ। थैंक यू अंकल। ओके, तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, ठीक है? आपको मैं नहीं जानता। सर, आपसे मेरा कोई झगड़ा नहीं, आपको जो चाहिए वो कोई और होगा। ये लोग गलती से मुझे यहां ले आए। अशोक मरना चाहिए। सर, सर ये क्या कह रहे हैं? वो हमारे रास्ते में आ रहा है और उसने पब्लिक के सामने मुझे मारा है। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो उसी से मोहब्बत करता है। सर, अशोक मेरा बेटा था लेकिन अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। उसे दुनिया में जीने का सिर्फ एक ही मौका दूंगा। अगर उसने दोबारा गलती की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उससे कह देना कि आज के बाद कभी भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करे। देखिए, अगर आपकी कोई दुश्मनी है तो आप आपस में निपट लीजिए, मुझे बीच में मत घसीटिए। उसे जन्म देना ही तुम्हारी पहली गलती है, मेरी बात ना सुनना दूसरी गलती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मरना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। तेरी बीवी को मारना आसान है, तुझे मारना तो बिल्कुल आसान है। ए, अशोक कहाँ है? अशोक कहाँ है? उधर है। अशोक, क्या बात है, क्या हुआ? पिताजी, 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 पिताजी को क्या हुआ? पिताजी ने तुम्हें बुलाया। सच में? हाँ सच, पिताजी ने तुम्हें बुलाया।
अशोक अशोक अंजलि अंजलि पिताजी ने बुलाया है पिताजी ने बुलाया राजीव मैंने इसे यहां किसी खुशी में नहीं बुलाया। उसकी मां और बहन ने एक मौका देने को कहा। उसकी मां के भरोसे पर भरोसा करके सुनी बातों को भुलाकर मैंने उसे यहां बुलाया है। चार लोगों में मुझे अच्छे से जीना पसंद है। चार लोगों से उसे झगड़ा करना पसंद है, पर आगे से मैं जो कहूंगा उसे वही करना होगा। जरूर सुनेगा, अब जो बोलेंगे सुनेगा। उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं और उसकी मैकेनिक की जिंदगी मुझे पसंद नहीं। ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी दिल्ली में है। ये नौकरी मुझे पसंद है। उसे पसंद हो या ना हो, ये नौकरी उसे करनी ही होगी। उसे तुरंत ज्वाइन करना होगा। अगर मंजूर है तो वो घर पर आ सकता है। वो आपकी बात सुनेगा, एक बार आप उससे कहकर तो देखिए। पहले उसे बदलना होगा और मुझे भरोसा दिलाना होगा। मेरे बेटे से मुझे बात करने के लिए कोई नहीं कहेगा, मैं बात करूंगा। अशोक बहुत खुश लग रहा है। जी हाँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूँ, पर वो मेरी बात नहीं मानता। आज के बाद मानेगा अंकल? इसी उम्मीद पर मैंने उसे ये मौका दिया है, पर अब कोई गलती होगी तो मैं खुद उससे दूर चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा अंकल, ये खुशियाँ जिंदगी भर रहेगी। ऐसा रहने के लिए तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा। इसलिए ये मत पूछना, मुझे ये प्यार पसंद नहीं है। वो मेरी पसंद की नौकरी कर रहा है। मैं जिसे चाहूंगा वो उसी लड़की से शादी करेगा। इसमें कोई बदलाव आया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे पिताजी मेरी जान है, उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कभी ना कभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बातें जरूर समझ में आएगी। मैं जो कहती हूँ वो हमेशा सच होता है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ बेटी। 25 सालों से जिसे पाला उससे 2 साल दूर रहने का दर्द जो मैंने सहा है। 4 दिन पहले जो मोहब्बत तुमने की है उसे खोना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे दिल्ली जाने तक तुम ऐसे ही रहना, उसके चले जाने के बाद उसकी जिंदगी से चली जाना। पहुंचते ही फोन करोगे ना? तुमसे बहुत सारी बातें करने को मन कर रहा है। लड़के को बुलाकर 2 दिन भी रुकने नहीं दिया, बाहर भेज रहे हो। इतनी सी बात के लिए क्यों बुलाया उसे? माँ जी, उन्होंने मुझे बुलाया, इतना काफी। वहां पर किसी से झगड़ा मत करना, ठीक से रहना। ए, ट्रेन छूटने वाली है। चलता हूँ मैं। अच्छा चलता हूँ। दूर क्यों खड़ी हो? ऐसे भी तो तुम दूर ही जा रहे हो। क्या? मतलब वही दूर जा रहे हो ना? सुनो, तुम्हारे पास आने के लिए मैं दूर जा रहा हूँ। पहले पिताजी का दिल जीत लूं, फिर वो हमारी शादी करवा देंगे। Bye.
माँ यू आर रियली ग्रेट। तुम्हारे दिमाग का खेल और अशोक दिल्ली पहुंच गया। उस लड़की ने उसे भूल जाने का वादा भी किया। हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन ये तरकीब आपको कैसे आई? मेरे बेटे को बेअकल कहा, उसे तो मैं मारूंगी। उसने कहा वो जब चाहेगा मरेगा ना, तेरी शादी का मुहूर्त उसकी मौत का मुहूर्त होगा। ए सुनो, पंडित को फोन करो और एक महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकालने को कहो। एक महीना? जल्दी, इसलिए इलेक्शन के बाद ही तुम्हारी शादी होगी। एमएलए बनने के बाद तुम्हें दूल्हा बनते हुए देखना चाहती हूँ। इस बीच मंगनी होगी, आखिर उस लड़की को भी अशोक को भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, है ना? हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। अरे अशोक, तुम कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अंजलि ने मुझे अभी तक फोन नहीं किया। पता नहीं, इस बीच मुझे भी नहीं मिली, लगता है वो शहर में ही नहीं है। तुमने वहाँ भी कोई झगड़ा तो नहीं किया ना? ये सब छोड़, अंजलि के घर जाकर उसे फोन करने के लिए कहो। अरे वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? राजी, तुम उसे कुछ मत पूछो, तुम बस अभी के अभी अंजलि के घर जाओ और उसे फोन करने के लिए कहो। हाँ मैं ठीक हूँ, फोन रखता हूँ, बाय। ओहो, ये क्या घर को कवर खाना बना के रखा है? सारा सामान ठीक से रखो, लड़के वाले आने वाले हैं। और ये क्या, तुमने पुरानी साड़ी पहन रखी है, कोई नई सी साड़ी पहनो, समझी? भैया ये कैसी तैयारी चल रही है? लड़के वाले आ रहे हैं ना? किस लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम हाँ कहो या ना कहो, हम इस रिश्ते को कतई ठुकरा नहीं सकते मेरी प्यारी बहना, समझी? लगता है वो लोग आ गए, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, अंजलि को तैयार करो। आइए आइए। नमस्ते माँ जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? या सिकंदराबाद से हैदराबाद। आइए आइए। ऐसे क्या देख रही हो, ये तुम्हारी होने वाली सास है, नमस्ते करो। ये क्या, इस तरह से रिश्ता जोड़ रहा है, लगता है जैसे बुड्ढे के बारे में नहीं मालूम। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? मेरी होने वाली बहू बहुत खूबसूरत है। ले लो बहन, ले लो। मुझे ये शादी मंजूर नहीं, हर किस नहीं। वो क्या है कि इसकी पहली शादी है ना, पहली मंगनी है ना, मैं इसे समझा दूंगा। हा? तुम लड़के हो, लड़की को क्या समझाओगे, इसे मैं संभालूंगी। थैंक्स माँ जी, जान बची। खुशी महसूस हो रही है ना? जी हाँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है। थैंक्स। पर ये बात दिल्ली वालों को पता चल जाए तो? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं, मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। तुम ऐसा कहो कि ये बात मैं जानती थी, तुम मेरे लड़के की पसंद हो, वो तुम्हें प्यार करता है। तुम ही नहीं, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है। अब तक जो मैं अपने बेटे के लिए करती आई हूँ, अब से तुम्हें करना है। मैंने आपसे कहा ना, ये शादी मुझे मंजूर नहीं। हाँ, तुम्हें खाना बनाना आता है? खाने में मेरा बेटा बड़ा होशियार है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? सुना है तुम डांस अच्छा कर लेती हो, क्लासिकल और वेस्टर्न। तो एक बात साफ साफ कहती हूँ, मैं अशोक से प्यार करती हूँ। पता है। इसलिए अशोक को उसके पिताजी के करीब लाई मैं, और अशोक को दूर नौकरी के लिए दिल्ली भेज दिया मैंने। बस बाप बेटे का रिश्ता फिर से बन गया, और मेरे बेटे के प्रेम की खातिर अशोक ने तुम्हें भूल जाने का मुझसे वादा किया। मैं नहीं होती तो मेरे बेटे ने अशोक को कब का मार दिया होता। मेरे बेटे ने मेरी बात सुनी, तुम भी मेरी बात सुनो, मेरे बेटे से शादी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, उसका दिल मत दुखाओ तुम, ये शादी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है। देखो बेटा, मेरे बेटे के हाथों खून मत बहाओ, अशोक को भूल जाओ। हाँ, दो मिनट में ये साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो गलत मत समझना, जल्दी आना। हाँ? सब ठीक हो गया, लड़की आ रही है। हाँ। सुनो जी, पंडित को तैयार रखो। अच्छा माँ जी। पापा पापा, बुआ ना खिड़की से ना बाहर भाग कर चली गई। हाँ? उधर गई होगी। ए, पकड़ो उसे, पकड़ो। Yeah.
अंदर का डर मुझे पसंद आया। उसकी जिंदगी से जाना होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा। हेलो मैं। हाँ राजेश, तब ठीक तो है ना? हाँ, पिताजी ने तुम्हें अर्जेंट वापस बुलाया है। अर्जेंट बुलाया? वो किस लिए? वो मुझे पता नहीं, लगता है कोई जरूरी काम होगा, वो तो पिताजी ही बताएंगे। एक मिनट, अब क्या बताऊं? सुनो, पिताजी ने तुम्हें पहले फ्लाइट से वापस आने को कहा है। पिताजी ठीक है। घर ले जाने की बजाय यहां क्यों ले आए? आओ बताता हूं। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी को कुछ हुआ क्या? पिताजी क्या हुआ? पिताजी को पिताजी 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 क्या हुआ? पिताजी पिताजी किसको क्या हुआ है? पिताजी बोलिए। पिताजी पिताजी माँ कहाँ है? पिताजी माँ 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 बताओ क्या हुआ है? माँ माँ बताओ ना माँ क्या हुआ? अरे कोई बताता क्यों नहीं है? माँ संध्या कहाँ? संध्या कहाँ है माँ? माँ 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 किसको क्या हुआ है बताओ ना माँ? बताओ ना माँ किसको क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे? ट्रक ने ठोक दिया था। पिताजी कुछ कहते हैं तो तुम अकेले ही सहते हो, तुम नाराज होते हो तो हम सबको दुख होता है। अशोक अशोक क्या हुआ? अशोक कुछ नहीं रहे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी गुस्से में मैं तुम्हें मार दूं तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें करते हो,
मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा क्या? अरे अशोक भैया, अंजलि ने सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। उसने एक फोन भी नहीं किया। कैसे करेगी? नहीं करेगी। अरे अरे, तुम दिल्ली चले गए, मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई, वो गांव चली गई। ठीक है, वहाँ का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ? एकदम गांव है, कोई फोन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फोन वोन नहीं है। वहाँ तो कोई चाय भी देने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। आए तो उसे फोन करने के लिए कहना। ये बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद फोन करवाऊंगा, तुम जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा बेटा, उसे भूलना ही होगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। क्या हो रहा है भाई, रोड पे नारेबाजी क्यों चल रही है? कुछ नहीं भाई, एक महीने से ट्रक की स्ट्राइक चल रही थी, आज सरकार ने सारी शर्तें हमारी मान ली हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा जश्न मना रहे हैं। आप लोग जरा वहाँ से घूम के चले जाइए। एक महीने से ट्रक की स्ट्राइक चल रही थी, ट्रक ने ठोक दिया था। एक महीने से ट्रक की स्ट्राइक चल रही थी भाई। राजीव कैसे मरा? ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। राजीव कैसे मरा? ए बताना, ट्रक ने ठोका था ना? ए, एक महीने से ट्रक स्ट्राइक थी, वो ट्रक कैसे भर गया? अशोक भैया, राजीव भैया, अशोक भैया, राजीव भैया, अशोक भैया, राजीव भैया, अशोक भैया, राजीव भैया। ए, ए, ए चीना, चीना, चीना देख, मैं अशोक हूँ, देख, ए चीना। अशोक भैया, चीना, अशोक भैया, राजीव भैया को मार दिया। पकड़ो उसे, बच के चल ना पाए। अंजलि तुम भागो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तुम उसे बचाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा लगा। मुझे वो लड़की चाहिए, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अंजलि, अंजलि जाओ यहाँ से, आओ। राजीव, क्या हो गया तुम्हें? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये गुस्सा किस लिए? अभी ये बात मैं अशोक को बता दूं, पता है क्या होगा? राजीव मेरा अपना बेटा नहीं है। अशोक को मैं घर से भेजूंगा तो वो उसका साथ दे पाएगा, वो मेरा बेटा है, पर अशोक की वो जान है। ए, अगर राजीव को चोट लगी तो अशोक बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मर्डर होने पर वो शांति से नहीं बैठेगा, और वो केके को सबके सामने काट कर रख देगा, नहीं तो ये उन लोगों के हाथों मर जाएगा। हमें ये झमेला नहीं चाहिए। अशोक को ये बात मत बताना प्लीज। वो अंजलि को क्यों ले गया है? हाँ, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? बताया ना, गांव गई हुई है। केके अंजलि को क्यों ले गया है? केके? कौन? बहन को तो मैं गांव छोड़कर आया हूँ, गांव से तो अभी अभी उसका लेटर आया है जस्ट। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, केके अंजलि को लेकर क्यों गया? मैं भी आखिरी बार कर रहा हूँ, केके कौन मैं नहीं जानता।
एक भाई के नाते तो मर चुके हो, एक अच्छे पति और पिता की तरह जियो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, कहता हूँ हाथ हटाओ। मारोगे क्या? मारो। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है कि नहीं? कैसे भाई हो तुम? अपनी खुशी के लिए अपनी बहन को उस गुंडे के हाथ बेच दिया। दया करके अंजलि को चैन से जीने दो। तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं कमा कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। इसका इलाज यही है कि पिताजी का ट्रांसफर कर दिया जाए, और ये आप ही कर सकते हैं। ये लीजिए कॉफी। मैंने कहा तभी नहीं किया, अभी क्या ट्रांसफर जी? ये कोई सरकार है, किसी को भी गुस्से में ट्रांसफर कर देती है। किससे पूछ रहे हो? मुझसे? तुम्हारे सामने किसे पूछूंगा? लगता है मेरे ही किसी अपने आदमी ने मेरे साथ ये राजनीति किया होगा। कोई क्यों करेगा ऐसा? तुम्हें पता नहीं, कोई ना कोई पीछे से ये खेल खेला होगा। ऐसी बातें तो रिजाइन कर देते। करने ही वाला था, पर संध्या की शादी विशाखापट्टनम में करने के लिए कहा, इसलिए मैं मान गया। माजी, हाँ। ट्रेन का वक्त हो गया, पहले इसे कहो ट्रेन में बैठे। आपकी जाएगी तभी तो मेरी आएगी ना। देखो शादी के दो दिन पहले ही आना। अपना ख्याल रखना बेटा। आ जाओ संभल के बैठ जाओ। ठीक है। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है। आने वाले इलेक्शन में अपने के भाई को सीट मिलना जनता की किस्मत है, ये पार्टी का किया हुआ कर्म है। विरोधी आरोप लगाते हैं के को सिर्फ दो ही बातें मालूम है, मारना और काटना। गलतियों को काटना और मारना। के जिंदाबाद, के जिंदाबाद, के जिंदाबाद। वो बहुत बड़ा गुंडा है, बड़ा लुक्का है, लफंगा है, बावजूद इसके कुछ लोग ये भी कहते हैं वो अच्छा आदमी है, बड़ा दिल वाला है। ये सबका कहना है कि एक बार पर मारो तो दूसरा सामने कर देता है। जनता की भलाई की ये गारंटी देते हैं। गारंटी है? कौन है, कौन है जिसने ये बोला? तुम्हें गारंटी चाहिए ना, तो भी इसी वक्त इस बात की परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ स्टेज पर आओ और इस बात की जांच कर लो कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो गलत है या सच। आओ गाल पर मारो, ये ओपन चैलेंज है। तुम्हें मारने वाला कौन है भाई? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। कोई तो सामने आओ। है किसी में इतनी हिम्मत? मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये क्या किया मैंने? अब नेताजी दूसरा गाल आगे करेंगे। बाप रे! क्या के? तुम तो चार तमाचे भी नहीं सह सके। मैंने कहा था ना मुझसे लड़ोगे तो पछताओगे। गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी पीठ पर नहीं मारूंगा, आज के बाद जब मारूंगा यहाँ नहीं, यहाँ मारूंगा। गिनते रहना, अंजलि को आधे घंटे में तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मेरा चैलेंज है। हमारा नेता के, हमारा नेता के।
उसे पकड़ो। मेरे बारे में जानते हो ना? हाँ? मार दूंगी मैं तुम्हें, पीछे हटो, हाथ छोड़ो उसका, ये मेरी बहू है, मेरे लड़की की होने वाली पत्नी, छोड़ो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, तुम शादी करोगे इससे? हाँ बताओ, बताओ मुझे, मार दूंगी। तुमने मेरे अशोक पे हाथ उठाया? अपने बेटों की किस तरह से परवरिश की है तुमने? कैसी माँ हो तुम? तुम जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। चलो चलो। आधे घंटे में ले जाऊंगा कहा था ना, लेकर जाओ, मैं भी देखता हूं कैसे ले जाओगे। मार डालूंगा, लेकर जाओ। सर से बंदूक हटाओ, नहीं तो तेरे भाई का सर फट जाएगा। मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? पांडे क्या हुआ? भाई 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 झटका लगा ना। भाई भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी बात सुनो, पांडे भी मुझे इस ड्रेस में बिल्कुल नहीं पहचान पाया। भाई मेरी जान के लिए आपने भाभी की कुर्बानी दे दी। अरे अशोक भाई ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि तो बोलती ही बंद हो गई है, मजा आया ना? ए भाई मुझे भी दो ना, भाई मुझे भी दो। अपने आप को क्या समझती हो, बड़ी कुर्बानी देने चली थी? मेरे बगैर कैसे जी पाओगी तुम? दूंगा एक, पहले बता देती तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। मैंने कहा था ना तुमसे, एक बार हाथ थामा तो मरने तक नहीं छोड़ूंगा। भाई अशोक की फैमिली घर में नहीं है। घर में नहीं, वो जहां कहीं भी उसे मत छोड़ो, गली गली में ले जाओ, स्कूल कॉलेज में ढूंढो। रिच कहां है भाई? मालूम नहीं। भाई सब कहते हैं अशोक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। हेलो। हाँ बोलो चिन्ना। वो पांडे है ना, उसके आदमी लोग इधर आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। भैया ए तू वहाँ क्यों गया था? मैं राजेश के घर पर हूँ, तुम सीधे वहीं चले आओ। हेलो हेलो, कहाँ है वो? मोबाइल दे। भैया यहीं पर भाई, यहीं पर।
राजीव भैया को इसने मार डाला था भैया, हमारे राजीव भैया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो भैया, इसको मार डालो भैया, इसको मार डालो। अशोक, उसी दिन मुझे उसे मार डालना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारे राजनीतिक करियर की वजह से, उस लड़की की वजह से तुम्हें रोक लिया। पर अब हमें ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, वो लड़की नहीं चाहिए, बस उसकी जान चाहिए। कुछ भी हो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे उसकी मौत देखनी है। हे, एक बार मैं तुम्हें फिर उसी पुराने केके को देखना चाहती हूँ। सिकंदराबाद से सती का फोन आया था भाई, अशोक का परिवार वहीं है। भाई, आप लोगों ने जो जानकारी दी थी वो सही है, उसका घर का पता चल गया है, कल उसकी बहन की शादी है, अशोक वहाँ जरूर आएगा। ये बाप बेटे का नाटक है। उसे बुलाकर तूने अच्छा नहीं किया, तूने क्या सोचा था वो मेरी नजरों से बच जाएगा? आखिर हुआ क्या है? उसने मेरे भाई की हत्या कर दी, मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब उसकी जान चाहिए, जान। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए। मुहूर्त कभी का है? 12 बजे का। क्या? हाँ, 12 बजे का। 12 बजे तुम्हारी बेटी की शादी का मुहूर्त है ना, वही तुम्हारे लड़के की मौत का भी मुहूर्त होगा। चल, नहीं छोड़ो। चाहिए या लड़की चाहिए, ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। गौर से सुनो, दोपहर के 12 बजे तक तुम अपने लड़के को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी लड़की को मारूंगा नहीं। बचपन से ही झगड़ता आया, कॉलेज में भी झगड़ता था। मुझे और मेरी बीवी को एक एक करके मार डालोगे क्या? पहले इसे बदलना होगा। उसने मेरे भाई को मार डाला, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, यह फैसला तुम्हें ही करना होगा।
पर अपने पिता की बात सुनकर मरने के लिए आए हो? तुम्हारा जीना तुम्हारे पिताजी को भी पसंद नहीं। ए बुड्ढे, तुमने मेरी बात सुनकर मैंने जैसा कहा वैसा ही किया। अच्छा है। लड़की के लिए लड़के की कुर्बानी, इतिहास में नाम होगा तुम्हारा। बेटा उसे छोड़ दो। ए, उस लड़की को छोड़ दो। नहीं, मेरी बेटी को मत छोड़ो। सुनो, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने इसे तुम्हारे पास नहीं लाया। बेटी से पहले मैंने एक मर्द को जन्म दिया है। मर्द है ये मेरा बेटा। इसे पता है अपनी बहन को कैसे बचाना है। तुम्हें उसे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ही अपनी बहन को बचाएगा। ज्यादा चौको मत। गली गली से हफ्ता वसूलने वाले एक मामूली गुंडे से मैं क्यों डरूं? तू गलत है। सबको पता है तू गलत है। अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। हर वक्त तुम झगड़ा करते थे। तुम बिगड़ रहे हो ये देखकर मैं तुम पर गुस्सा करता था। पर तुम क्यों झगड़ते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। मेरी नजरों के सामने मेरी बेटी को बेआबरू करके ले जाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे मार डालूं। एक जवान भाई पर क्या बीतेगी मैं समझ सकता हूं। तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं है। जिस दिन राजीव को इसने मारा मुझे समझ जाना चाहिए था। पर मैं डर गया था। गलती हो गई मुझसे। तेरे बाप ने डर समा गया था। मैं डर गया था बेटा। सच्चाई से भरा हुआ गुस्सा है तेरा। तुम गलत नहीं हो डैडी। नो नो, मुहूर्त के लिए केवल आधा घंटा ही बाकी है। तुम अकेले आते हो या अपनी बहन को साथ लाते हो? उसकी शादी करवाना तुम्हारे हाथ में है। चिल्ला मत। 25 सालों से इसके अंदर का गुस्सा रोकना मेरे भी बस में नहीं था। तुमसे हो सके तो कोशिश करके देख लो। जल्दी आना बेटा। उसकी लड़की को जो मैंने हाथ लगाया इसलिए भड़क कर तुम दोनों को छोड़कर चला गया। तेरे पिताजी को जो तुझ पर भरोसा है, ठीक है, सही है। यहाँ के सभी लोग तेरी बहन को छुएंगे। तुम कैसे अपनी बहन को बचाते हो ये मैं भी देखता हूँ। चलो शुरू हो जाओ। एक मिनट रुको। बचपन से जब भी झगड़ा किया सिर्फ पिताजी ने मुझे रोका। उनके मना करने के बावजूद मैंने कई लोगों को मारा। अब तो पिताजी ने खुद मारने को कहा है। पिताजी की कसम सबको काट के फेंक दूंगा। अब शुरू करके दिखाओ।
Oh!